गुड मॉर्निंग साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने PVR स्टडी में। जी हाँ बिल्कुल, तेरे गिरने से हार नहीं तो इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। अगर आपसे कोई भूल होती है, आपको कोई चीज़ नहीं आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप उसे सीखते हैं तो सब कुछ संभव होता है। और इन्हीं उम्मीदों और बातों के साथ हम लोग शुरू करेंगे जीरो लेवल बेसिक मैथ यानी कि कक्षा 8 की गणित में घात और घातांक। जैसे अगर हम आपको बोलें कि 2 और इसके ऊपर एक संख्या लिख दिया 3, इसकी वैल्यू बताइए, तो अक्सर हो सकता है आप लोग बता ले जाएंगे 8 होगा, है ना। लेकिन अगर हमने कहा कि 2 और इसके ऊपर घात माइनस में 3, अब इसका मान बताओ, ऑप्शन मान लेते हैं कि इसमें दिया है 1/8 और बी नंबर ऑप्शन दिया है 8 और सी नंबर दिया है -8, तो आप क्या बताओगे? इसमें आप अटक जाओगे। इसके अलावा अभी हम आपको कुछ और भी ऐसे सवाल दिखाएंगे जिनका आपको अनुमान लगाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए तुरंत सभी, और याद रखें इस क्लास का समय जो है वो हर दिन सुबह 5 बजे से PVR स्टडी ग्रुप चैनल पर होता है। तो सुबह 5 बजे के बाद आप इस क्लास को कभी भी देख सकते हैं। अगर आप 5 बजे देखेंगे तो लाइव होगा ऑनलाइन, अगर बाद में देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं। तो पहला सवाल इसी में है, एक्सरसाइज 12.1 कक्षा 8 की NCERT मैथ है, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग। मान ज्ञात कीजिए। पहला, मान ज्ञात कीजिए मीन्स फाइंड द वैल्यू। चलिए वैल्यू हमें फाइंड करना है किसका, 3 का पावर -2। देखिए साथियों, इस -2 का क्या लफड़ा है, इसको हम आपको बता दें। कोई भी घात माइनस कब होती है, माइनस कब होती है, इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बतानेंगे, देखना। जैसे हमने लिखा 3 की घात 5, तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं लिखा है 3 की घात 5, मतलब 1/3 की घात 5 ऐसे लिखा है, 1/3 की पावर 5, तो इसको अगर आप कहीं लिखोगे तो ये 3 का पावर -5 होगा। यानी कि अगर कहीं घात माइनस में लगी है तो ये अनुमान लगा लो कि ये जो है 1/3 का पावर 2 इतना है। यानी कि हर में वो घात थी, ऊपर जाने के बाद माइनस हो गई है। इसको आप सोच लेना खुद से, और इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा 1/9। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। इसी में सेकेंड क्वेश्चन देखना, जल्दी करिए, इसको नोट करिए तुरंत। घातांक का टॉपिक अगर आपको नहीं आता ना तो आज से टेंशन छोड़ देना, गारंटी के साथ आपको सिखाएंगे। बस क्लास को बीच में मिस ना करना और ना भागना, मतलब छोड़ करके पूरी क्लास देखना। एक बहुत ही मुश्किल सा सवाल आप लोग को जो लगता है वो ये है, जब दोनों में माइनस हो तब क्या होगा, है ना बड़ा अजीब सा सवाल। तो पहले एक एक से निपटते हैं। एक एक से निपटने का मतलब आप जानते हो कि घात माइनस तब होती है जब वो बटे में होता है। तो हम इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, बस घात का हिसाब करेंगे। तो घात का हिसाब के लिए ये -4 का घात +2 हो गया, मतलब घात प्लस हो गई। इतना बात समझ में आई? अब इतना आई तो फिर आपको आगे कोई रोक भी नहीं सकता है। ये -4 का गुणा ये हो जाएगा -4 में, और फाइनल में आप कह सकते हो 1/16 आएगा, है ना। कितना आसान, बिल्कुल आप लगा ले जाओगे, एकदम घोड़े की तरह दौड़ोगे। बस कुछ क्लास तो देखिए PVR स्टडी की, बिल्कुल आप मास्टर बन जाएंगे मैथ में। चलिए नोट करते चलिए साथ साथ में, और जो नए छात्र छात्राएं जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे उन्हें अगली क्लास सबसे पहले मिल सके। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसमें हम आपको कुछ ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, देखते हैं कौन कौन दिमाग लगाते हैं। जल्दी से बता दो फटाफट। पहला आंसर 5 आएगा, दूसरा आंसर जो है 35 आएगा, तीसरा आएगा 32, और चौथा ऑप्शन है ना 10 आएगा। देखते हैं कौन कितना बहादुर है, लगा लो जोर पूरा आयड़ी चोटी का कहते हैं ना, और फिर ट्राई करके देख लो एक बार। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, इसको तो आपने बहुत बार सुना है ना। लेकिन क्या कभी कोशिश किया भी है? नहीं किया तो आज करके देखना है। चलिए देखिए,
घात को प्लस बनाने के लिए अगर ये भिन्न में दी गई है, अगर ये फ्रैक्शन में दिया गया है, तो सबसे आसान तरीका है घात को प्लस बनाने के लिए आप उस फ्रैक्शन को पलट दो बस। घात प्लस हो गई, जो टू अपान ये 1/2 था ना, 2/1 कर दिए, घात प्लस हो गई। और इस तरह से साथियों आप इसको जानते हो, जब 1 से 2 में भाग करोगे तो 2 आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, 2 की घात 5 हो जाएगी। कुछ लोग जो ज़्यादा बुद्धिमान है वो 2 पंचे 10 कर देंगे इसका मान, जो कि कतई नहीं होगा। इस घात 5 का मतलब है कि 2 का गुणा करो, और वो भी 5 बार ऐसे, ठीक। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितना आएगा? 32, यानी 32 इसका मान आएगा। छाप लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। दूसरा सवाल इसी तरह का है, कह रहा कि सरल कीजिए। देखिए 2 मिनट के अंदर हम लोग कम से कम 5 सवाल पढ़ेंगे। अगला सरल कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इधर वाली सूचना नहीं देखी, बगल वाली तो देख लेना, क्या लिखा गया है। YouTube पर अब PBR स्टडी की जो भी ज्वाइनिंग वगैरह होती थी वो सब बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, लेकिन आप लोग सभी दोस्तों को शेयर करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। व्हाट्सएप बंद हो चुका है, पेमेंट नहीं करना, कुछ भी फ्री देखना है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ना हमारे साथ। एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सरल कीजिए यानी सिंप्लीफाई कीजिए, एंड उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में भी लिखिए। तो चलिए फिर हम क्यों ना ये मौका प्रयोग कर लेते हैं अच्छे से। ये क्वेश्चन हम लिखने की कोशिश करेंगे आपके सामने, आप लोग बस एक दया भावना बनाते हुए इसको समझने की कोशिश करना। इसके आंसर आपको बताने हैं, लेकिन इसमें एक बात और कह रहा है, उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, बट कंडीशन है कि उनको घातांक के रूप में लिखना है आपको, कंप्लीटली आंसर नहीं ले आना है, सिंप्लीफाई नहीं करना पूरा पूरा। तो चलिए फिर, जैसे रोगी का मन भावे वैसे वैद्य बतावे, वैसे हम लोग करेंगे। माइनस यहाँ लगा है ना, यहाँ तो प्लस है ऊपर, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ भी माइनस लगा है, ये प्लस है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जानते हो कि भाग करने में घातें घट जाती हैं, ये भाग का साइन है, और गुणा करने पर जुड़ जाती हैं। तो साथियों ये भाग जब आप करोगे तो ये घटेगा और ये फाइनल में इतना आएगा। घात माइनस होने का मतलब आप झट से समझ जाओगे कि ये 1/5 और -4 का पावर 3 रहा होगा, और इसका मान तो दौड़ के आप निकाल लोगे ना, 4 चौक 16 चौका 64, और 3 बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेकिन साथियों एक सबसे बड़ी भूल हो रही थी जो आपसे नहीं होनी चाहिए, वो क्या है, कुछ मत करना, इसको यहीं छोड़ दो, बस यही उत्तर है। क्यों उत्तर है? क्योंकि इसमें कंडीशन कहा गया है कि उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर हम इसको 64 कर देंगे तो फिर घातांक कहाँ रहेगा, ये इतना ही रहेगा। नोट कर लो जल्दी से, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट नंबर पार्ट है ये। इसके बाद इसी में एक और नटखट और चुलबुला सवाल हम आपको दिखाते हैं, बस हमारे साथ बने रहना, क्लास मत छोड़ना बीच में, अगर क्लास छोड़ दोगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं। ये है 1/2 का पावर 3, और बाहर जो घात लगी है ना वो सोचने लायक है, एकदम छोटी सी है, प्यारी सी। चलिए बता दीजिए कितना आएगा, जल्दी बोलिए तुरंत, आप लोग लजा रहे हैं ना, तो ना बोलिए, हम खुद ही करके दिखा रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ये 2 का घात 3 है ना, और बाहर इसमें घात कितना लगा है, 2 लगा है। आप जानते हो कि बाहर जो घात लगी हो क्या होगा, गुणा करने के बाद अंदर वाली घात में गुणा हो जाएगा, तो इस पे 2 घात है, इस पे क्या होगा, बाहर वाली जो घात है उसका इफेक्ट अंदर में भी पड़ेगा, यानी कुल मिला करके फाइनल में आप जान लो कि 3 दूना 6, 2 की घात 6, बस यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बाहर घात लगी है उससे इसमें भी करोगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 का मतलब वो नहीं होगा, और फिर इसका 2 का इसमें मल्टीपल करोगे तो 2 का जो 3 है वो 6 हो जाएगा। ये थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन अभी पूरी क्लास देखना, समझ में आने की बात छोड़िए, आप समझाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, ट्राई करके तो देखो ना एक बार। तीसरा नंबर पार्ट इसी में का देख लेना।
ये कह रहा कि -3 का पावर 4, और फिर इनटू में है 5/3, इसकी पावर भी कहाँ है, 4 है। इसका आंसर बताएगा कोई, ट्राई करके देखो अच्छा लगेगा। ये -3 का पावर 4 ही होगा जाएगा, मतलब जो था वही रहेगा। और साथियों इसमें अगर हम देखें दूसरा वाला जो नंबर है तो उसमें आपको क्या मिल रहा है पता है? देखो इसकी पावर 4 है ना, इसको आप लिख सकते हो 5 का पावर 4 अपान ये 3 का पावर 4। और हमने काहे लिखा ऐसे पता है आपको? ऐसा इसीलिए लिखा है हमने, इसमें एक बात और भी थी यार, एक माइनस में भी था। हाँ तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बट ये माइनस में होगा अगर, तब इसमें माइनस भी होगा, आप देख लेना बुक में, अगर बताना नहीं होगा तो ठीक ना, बुक में माइनस भी होगा बता देना अगर ना होगा तो, ठीक है? तो ये कट जाएंगे, ये 4 घाते कट जाएंगी, तो 5 का घात 4 आएगा। लेकिन एक बात और आप लोग चेक करके बताओगे ये माइनस था कि नहीं, अगर माइनस नहीं होगा ये प्लस होगा, तो इसका जो आंसर आएगा ना ये माइनस रहेगा ऐसे, ठीक ना? बस हो गया, अगर माइनस होगा तब तो बात खत्म। तो ये आपके सवाल हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं हल करके, और हम थोड़ा देर के लिए आगे से हटते हैं, आप इनको तुरंत नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। चौथा नंबर देखिए, देखिए साथियों ये क्लास आपकी हर दिन सुबह होती है, कभी ये लॉन्ग क्लास होती है, कभी स्मॉल होती है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। 3 की घात 7 ये डिवाइड बाई 3 की घात -10 और इनटू 3 की घात -5। कैसे करोगे इसको? ध्यान देना बिल्कुल, कोशिश करना, बहुत आसान है, एकदम मज़ेदार है, बस ट्राई करके तो देखना। चलिए देखिए मित्रों, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है ना, आप जानते हो गुणा करने पर घातें घट जाती हैं और भाग करने पर घातें जुड़ जाती हैं, होता है सही क्या? नहीं, गुणा करने पर जुड़ जाती हैं, भाग में घट जाती। तो करोगे क्या इसमें? इसमें करेंगे क्या, वही जो आप जानते हो, भाग करेंगे घातें घट जाएंगी, तो 3 की घात -7 और माइनस ये -10, ठीक ना? इतना क्लियर है। और ये 3 की घात -5 वैसे लिख दो, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, देखो कोष्ठक खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, +10 और -7 ये हो जाएगा 3 की घात +3 और इंटू 3 की घात -5। ये हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं देखो, फिर आप गुणा करोगे, गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, और घातें जुड़ने के बाद क्या हो जाएंगी पता है आपको? नहीं पता है? ये 3 और धन और ये -5, 3 की घात -2 आएगा। -2 का मतलब आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हो कि 3 की घात 2 1/5 में हो जाएगा। बस आंसर है आपका, नोट कर लो जल्दी से। तो ये हम लोगों ने इतने सवाल कर लिए, अभी तीसरा सवाल है इसमें, एक बहुत ही मज़ेदार है, चौथा पांचवा है इसमें, और भी बहुत कुछ है, वो सब हम देखेंगे। बस आप हमारे साथ पूरा टाइम बने रहिएगा, क्लास को मिस मत करिएगा, जल्दी से नोट कर लो तुरंत। ये इतना इधर अलग है और उतना उधर अलग है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, देर मत करिए। हो गया, चलिए बहुत फास्ट अगर चलेंगे आप तो बहुत अच्छा होगा। तो साथियों समय की कमी के कारण आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, आपसे विशेष आग्रह होगी कि आप PVR स्टडी के जो और भी चैनल हैं, जैसे कि PVR स्टडी ग्रुप, PVR स्टडी इलाहाबाद, PVR स्टडी ब्लॉग, और एक मैथ आसान है, जी हाँ मैथ बिल्कुल आसान है, मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मैथ को आसान बनाएं। इसके अलावा आप इस क्लास को जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, चाहे वो PVR स्टडी का यूट्यूब चैनल है, PVR स्टडी का ऐप्स है, PVR स्टडी की ऑफिशियल फेसबुक पेज पर है, PVR स्टडी के ट्विटर अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख रहे हैं, आप हमें हर जगह लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, जहां पर जैसी सिचुएशन है वहां पर वैसा करें। अगर फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो अवश्य करें। तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही है, अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, और इंक्वायरी का जो टाइम है आपको दिया गया आज के लिए 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में, किसी और दिन अगर आप करते हैं तो किसी भी समय कर सकते हैं। तो साथियों बस इतना ही, जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।
फिर से मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद अगली क्लास में, यानी कि सुबह 6 बजे से, और 6 बजे के बाद अगली क्लास सुबह 6:30 बजे से, 7 बजे से, 7:30 बजे से और 8 बजे से। लगातार सुबह 5 से 6 क्लास होती हैं सिर्फ मैथ की। मैथ सीखिए घर बैठे पीवीआर स्टडी इलाहाबाद के साथ। थैंक यू एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत।